हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फ़िल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहां पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दी इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे सब पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित दो तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट है जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज़ किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी दे इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी पटकथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के साठवें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज़ के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजोन प्राइम वीडियोस का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहां पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविजन के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेटमैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को ख़रीदा है तो इस सेटमैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक सावधानीपूर्वक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज के कुछ समय बाद मीडिया ने उन 16 खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में चौदहवें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विध्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगिया प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अब्रोल ने बलबीर कौर का रोल किया है सूबी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने, ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नार नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की मां का रोल करते हुए आपको यहाँ फिल्म के अंदर दिख जाएंगी अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन सुनने से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चुक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है और पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर, फिल्म ज़रूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आप को अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दी इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे सब पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 2007 तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट है जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी दे इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी पटकथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज़ के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजोन प्राइम वीडियोस का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहां पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविजन के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेटमैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को ख़रीदा है तो इस सेटमैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक सावधानीपूर्वक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज के कुछ समय बाद मीडिया ने उन 16 खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में 14वें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विध्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगी प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अब्रोल ने बलबीर कौर का रोल किया है शूभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने, ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नार नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की मां का रोल करते हुए आपको यहाँ फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पर कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन सुनने से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चूक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है और पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को तो पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर, फिल्म जरूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी ये भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म को इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित दो तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट हैं जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक की है। यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी चकने इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक द इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी पटकथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य कार्यशालाएँ आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ टी के प्लेटफॉर्म एमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विथ सब्सक्रिप्सन तो अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्ले प्लेज एंड टी वी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविज़न के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेटमैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को ख़रीदा है तो इस सेटमैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक पूर्वक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज़ के कुछ समय बाद मीडिया ने उन 16 खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में 14वें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विध्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगिया प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अब्रोल ने बलबीर कौर का रोल किया है शूभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने, ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नार नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारतीय और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की माँ का रोल करते हुए आपको यहाँ फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि आ, इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन सुनने से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चूक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को तो पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर फिल्म ज़रूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फ़िल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फ़िल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको तो अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे सब पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 2007 तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट हैं जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी चकने इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी पटकथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य कर आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के साठवें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्त करता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक like करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविजन के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेट मैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को खरीदा है तो इस सेट मैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक पूर्वक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडर डॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज़ के कुछ समय बाद मीडिया ने उन सोलह खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में 14वें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विद्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगिया प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अबरोल ने बलबीर कौर का रोल किया है शुभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लाल लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की मां का रोल करते हुए आपको यहाँ इस फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन सुनने से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चूक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर, फिल्म जरूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहां पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दी इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 2007 तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट है, जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज़ किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी दे इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी पटकथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य कर आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के साठवें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि बीस करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने एक करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार दो की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज़ के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्त करता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक like करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर, भी आप, पर आप तो भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविजन के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेट मैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को खरीदा है तो इस सेट मैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक सावधानीपूर्वक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज़ के कुछ समय बाद मीडिया ने उन सोलह खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में 14वें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी, भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल सर्म, किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विद्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगे प्रीति सबरवाल का रोल रूर्क कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अब्रोल ने बलबीर कौर का रोल किया है शूभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लाल लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की मां का रोल करते हुए आपको यहाँ इस फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पर कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन सुनने से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चुक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को तो पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर, फिल्म जरूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे सब पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म को इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 2007 तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट हैं जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी चक दे इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी पटकथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य कार्यशालाएँ आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज़ के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म एमज़ोन प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजोन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी वी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविजन के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेटमैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को खरीदा है तो इस सेटमैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज़ के कुछ समय बाद मीडिया ने उन 16 खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में चौदहवें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विध्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगिया प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अब्रोल ने बलबीर कौर का रोल किया है सुभि मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने, ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नार नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की माँ का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पर कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि आ, इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन शून्य से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनाल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चूक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को तो पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये फिल्म जरूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित दो तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट हैं जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी चकदे इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी पटकथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य कर आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के साठवें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्त र्ता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिए अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक like करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविजन के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेट मैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को खरीदा है तो इस सेट मैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक सावधानीपूर्वक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज़ के कुछ समय बाद मीडिया ने उन सोलह खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में 14वें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा सर्म, विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विद्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगी प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अबरोल ने बलबीर कौर का रोल किया है शूभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लाल लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की मां का रोल करते हुए आपको यहाँ इस फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पर कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन शून्य से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनाल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चूक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो एक ही एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर, फिल्म जरूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फ़िल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहां पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दी इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 2007 तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट हैं जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी चक दे इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी कथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य कार्यशालाएँ आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजोन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी वी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविज़न के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेट मैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को ख़रीदा है तो इस सेटमैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक पूर्वक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज के कुछ समय बाद मीडिया ने उन 16 खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में चौदहवें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विध्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगिया प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अब्रोल ने बलबीर कौर का रोल किया है सुभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने, ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नारे नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम के सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की माँ का रोल करते हुए आपको यहाँ फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन शून्य से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चूक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को तो पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर, फिल्म ज़रूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन्स के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी ये भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 2007 तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट हैं जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी दे इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी पटकथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक द इंडिया दस अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के साठवें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज़ के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म एमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजोन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी वी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविजन के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेटमैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को खरीदा है तो इस सेटमैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक सावधानीपूर्वक्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज़ के कुछ समय बाद मीडिया ने उन 16 खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में चौदहवें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विध्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगे प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अब्रोल ने बलबीर कौर का रोल किया है शूभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने, ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नारे नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम के सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की माँ का रोल करते हुए आपको यहाँ फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन सुनने से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनाल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चुक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को तो पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर फिल्म ज़रूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 2007 तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट हैं जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी चकने इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी पटकथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य कर आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के साठवें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्त र्ता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक like करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविजन के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेट मैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को खरीदा है तो इस सेट मैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक सावधानीपूर्वक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि 1991 फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज़ के कुछ समय बाद मीडिया ने उन सोलह खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में चौदहवें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा सर्म, विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विध्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगे प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अबरोल ने बलबीर कौर का रोल किया है शूभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लाल लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की मां का रोल करते हुए आपको यहाँ इस फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पर कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन शून्य से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनाल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चूक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को तो पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर फिल्म जरूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहां पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चकदे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दी इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 2007 तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट है जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी चक दे इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है साहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी कथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य कार्यशालाएँ आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज हुई जो देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी वी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविज़न के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेट मैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को ख़रीदा है तो सेटमैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक पूर्वक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज के कुछ समय बाद मीडिया ने उन सोलह खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में 14वें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विध्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगिया प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अब्रोल ने बलबीर कौर का रोल किया है सुभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने, ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नारे नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की माँ का रोल करते हुए आपको यहाँ फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन सुनने से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चूक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को तो पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर, फिल्म जरूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित दो तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट है जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी दे इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी पटकथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य कर आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक द इंडिया दस अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के साठवें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज़ के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म एमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजोन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी वी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविजन के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेटमैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को ख़रीदा है तो इस सेटमैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेब्स्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडर डॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस सौ इक्यानवे महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज़ के कुछ समय बाद मीडिया ने उन सोलह खिलाड़ियों को चकदे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में 14वें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी, भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा सर्म, विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विध्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगिया प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अब्रोल ने बलबीर कौर का रोल किया है शूभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने, ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नार नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की मां का रोल करते हुए आपको यहाँ फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि आ, इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन सुनने से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनाल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चुक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को तो पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर फिल्म जरूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फ़िल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आप आपको अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दी इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे सब पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 2007 तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट हैं जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी दे इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है सहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी पटकथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य कर कार्यशालाएँ आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के साठवें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्त करता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक like करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविज़न के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेट मैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को खरीदा है तो इस सेट मैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक सावधानीपूर्वक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज़ के कुछ समय बाद मीडिया ने उन सोलह खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में चौदहवें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी, भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विध्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगिया प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अबरोल ने बलबीर कौर का रोल किया है शुभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लाल लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की मां का रोल करते हुए आपको यहां इस फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पर कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन शून्य से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चूक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर, फिल्म जरूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान सर के फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चकदे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत वितरण उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्या क्या उत्साहना थी यह भी बताएंगे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या अपना ओपिनियन दिया यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म चक दे इंडिया के स्ट्रें के अननोन फैक्ट्स के साथ साथ इस फिल्म के कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा भी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इस चक दे इंडिया अगर इस फिल्म इसको अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो लेट्स गो इंडिया ऐसा होता है तो यह फिल्म सीमित असीम द्वारा निर्देशित जयदीप सहानी द्वारा लिखित और यश राज फिल्म के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 2007 तो की एक भारतीय खेल ड्रामा फिल्म है इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान की भूमिका निभाई है जो भारत की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के काल्पनिक पूर्व कप्तान और भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कोच हैं साथ ही 16 अभिनेत्रियों की कास्ट हैं जो पेशेवर और गैर पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा रचित था फिल्म के अगर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है सीमित अमीन ने जबकि फिल्म की कहानी को लिखा है जयदीप सहानी ने और फिल्म को उत्पादित किया है आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को छायांकित किया है सुदीप चटर्जी ने और फिल्म को संपादित किया है अमिताभ शुक्ला ने फिल्म में जो गाने हैं यानी संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और उत्पादित किया गया है इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की रिलीज की तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2007 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की है यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1.09 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी चक दे इंडिया धार्मिक कट्टरता धार्मिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है यह फिल्म कबीर खान नामक एक निर्वासित हॉकी खिलाड़ी की कहानी है जिसे पाकिस्तान से मिली हार मिली करारी हार के बाद धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण खेल से बाहर कर दिया जाता है सात साल बाद खुद को सुधारने की कोशिश में वह राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है और जिसका लक्ष्य 16 खिलाड़ियों को पुरस्कार जीतने वाली यानी कि विनिंग टीम में बदलना है साहानी को चक दे इंडिया की पटकथा लिखने की जो प्रेरणा है वो एक अखबार में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की जीतने के जीतने के बारे में पढ़ने के बाद मिली हालांकि कबीर खान ने संघर्ष वास्तविक जीवन के हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के संघर्षों से मिलते जुलते थे लेकिन पटकथा लिखते समय सहानी नेगी की परेशानियों से अनजान थे उनकी कथा काल्पनिक है और पात्र वास्तविक टीम और कोचों से प्रेरित होकर सहानी द्वारा गढ़े गए थे और उस समय महिला टीम के कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने के सुझाव पर सहानी ने नेगी को फिल्म की निर्माण टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था उन्होंने अभिनेताओं को हॉकी और खिलाड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य कार्यशालाएँ आयोजित की शैक्षिक और नेगी ने कौशिक और नेगी ने सहानी खान और अन्य कलाकारों को छः महीने की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया चक दे इंडिया 10 अगस्त 2007 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई जो देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस दिवस था और इसने 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद इस फिल्म ने 109 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इस प्रकार 2007 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई रिलीज के बाद इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्रस, मिली इसमें इनके निर्देशन कहानी पटकथा संवाद नारीवाद विषयों और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई इसमें खान के प्रदर्शन की उच्च प्रशंसा की गई अल्प असंख्य पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता चक दे इंडिया ने पचपनवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के और भी डिटेलिंग के बारे में तो शाहरुख खान द्वारा कबीर खान का किरदार निभाना अब तक के सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक माना जाता है इसके अलावा शीर्षक गीत भारत में खेल आयोजकों के नियमित रूप से बजाया भी जाता है अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को लोगों ने क्या ओपिनियन दिया अपने जो रेटिंग है रेटिंग क्या मिली हुई है तो फिल्म को 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई की तरफ से मिली है इस फिल्म को और वहीं पर 87 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम वीडियोज़ के ऊपर विथ सब्सक्रिप्शन तो अगर आपके पास अमेजोन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर भी ऑन रेंट उपलब्ध है वहाँ पर आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं गूगल प्लेज एंड टी वी के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं अगर आप आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आईफोन के ऊपर भी आप इस फिल्म को रेंट पर लेकर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही साथ बात करें टेलीविजन के बारे में तो इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो सेटमैक्स के ऊपर यानी कि सोनी ने इस फिल्म के राइट्स को खरीदा है तो इस सेटमैक्स पर भी इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होते रहता है तो आप वहाँ पर इस फिल्म को देख सकते हैं अगर बात करें आलोचनात्मक यानी कि लोगों क्रिटिक्स ने इन फिल्म इस फिल्म को लेकर क्या कहा था तो इस फिल्म के अंदर अलग अलग यानी कि बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण पावर गर्ल वाली फिल्म इस फिल्म को कहा किसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की निखित काजमी ने और उसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को भारत में बनी सबसे प्रेरणा प्रेरणात्मक पूर्वक क्रो शोध की गई स्पोर्ट्स मूवी कहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी बेबस्टर ने लिखा कि फिल्म ने पारंपरिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्म को एक नया रूप दिया है और इसकी पृष्ठभूमि की तुलना अमेरिका की जीत से की गई है जो कि उन्नीस फीफा महिला कप जीता था जब उसने अब बात करें इस फिल्म से लेकर और भी कुछ डिटेलिंग की कि इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो फिल्म की रिलीज के कुछ समय बाद मीडिया ने उन सोलह खिलाड़ियों को चक दे गर्ल्स के रूप में संदर्भित भी किया था और उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका निभाई थी स्क्रीन अवार्ड्स में जजों के पैनल में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और 2008 में चौदहवें स्क्रीन अवार्ड्स में चक दे गर्ल्स को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों का भी पुरस्कार मिला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल किया है वहीं पे विद्या माडवल ने विद्या शर्मा विद्या शर्मा का रोल किया है शिल्पा शुक्ला ने विध्या नाइक का रोल किया है निकोला सकेरा ने निकोला सकेरा का रोल किया है सार्गिका घाटगे प्रीति सबरवाल का रोल कर रही हैं और चित्रासी रावत ने कोमल चौटाला का रोल किया है तान्या अब्रोल ने बलबीर कौर का रोल किया है सुभी मेहता ने गुंजन लखानी का रोल किया है सैंडिया अफार्डो ने, ने नेत्रा रेड्डी का रोल किया है और अनिता नारे नायर ने यहाँ पे आलिया बोस का रोल किया है आर्य मेनन इस फिल्म के अंदर गुल इकबाल का रोल करते हुए आपको नजर आएंगी और किम लालदावला मैरी रातले का रोल कर रही हैं और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है और फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है भारत और समर्थनकारी पात्र की बात करें तो भारतीय हॉकी के प्रमुख अधिकारी श्री विशाल त्रिपाठी के रूप में अंजन श्रीवास्तव आपको दिख जाएंगे और विभा छिब्बर राष्ट्र कृष्णा जी भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच का रोल करते हुए नजर आएंगे जबकि जावेद खान सुखलाल का रोल करते हुए नजर आए हैं जयश्री अरोड़ा कबीर की माँ का रोल करते हुए आपको यहाँ फिल्म के अंदर दिख जाएंगी बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म में कहानी में दिखाया जाता है कि आ, इंडिया हॉकी यानी कि चक दे इंडिया हॉकी कप के अंतिम मिनटों में दिल्ली में शुरू होता है इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता रहता है जिसमें पाकिस्तान जीरो मतलब वन सुनने से आगे चल रहा होता है जब भारतीय टीम के कप्तान कबीर खान का फाउल किया जाता है तो वह पेनाल्टी स्ट्रोक लेता है हालांकि उसका शॉट चूक जाता है जिससे भारत मैच हार जाता है इसके तुरंत बाद मीडिया आउटलेट खान की एक तस्वीर प्रसारित करती है जिससे वह पाकिस्तानी कप्तान के से हाथ मिलाते और गले लगते हुए देखे जाते हैं खेल के इस भाव यानी हाव भाव को गलत समझा जाता है और खान जो कि एक मुस्लिम है पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण खेल को छोड़ने का संदेह होता है इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रह खान और उनकी माँ को तो पैतृक घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर कहानी दिखाया जाता है सात साल बाद जब वो एक महिला टीम के कप्तान बनते हैं और उनका प्रण होता है कि वो उन महिलाओं को यानी कि उस हॉकी महिला टीम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये जर फिल्म ज़रूर देखना चाहिए अगर आप शाहरुख खान सर के फैन हैं तो